तो भाई लोगों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी जिंदगी में मजे ले रहे होंगे भाई। तो फिलहाल ये है अपनी गाड़ी शेवरले बीट एंड ये है भाई एक थप्पड़ चाती कुछ भी बोलो इसको, जो कि रिसेंटली भाई अभी अभी हमें पड़ा है। ठीक है, मतलब छोटे मोटे तो भाई इसके खर्चे आते रहते हैं नॉर्मल, बट इस बार भाई थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया जो कि इसके इंजन से रिलेटेड था। तो भाई मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि भाई क्या कैसे क्या कॉस्ट पड़ती है इसकी। अगर अंदर वाले पार्ट्स की बात करें ना, बाहर के तो भाई मैंने पहले ही बता रखे आपको अपनी पुरानी वाली वीडियो में, आप वो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते अपने वीडियो को, ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं मैं तो। एंड भाई ये बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी आ रही ना, हाईवे की साइड खड़े तो भाई उसको थोड़ा इग्नोर करना। एंड भाई सबसे पहले तो मैं आपको भाई यही बता रहा हूँ भाई, चलती गाड़ी रुक गई थी एक बार, मतलब हम कहीं जा रहे थे तो उसमें भाई गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो ये रुक गई थी। ठीक है, उसके बाद दो तीन दिन तक मैकेनिक के पास इसको छोड़ दिया था। तो उसके बाद भाई ये कुछ इसकी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, जानकारी कि भाई ये खर्चा है। तो सबसे पहले भाई अगर आपको पता हो भाई आप समझ लेना इन पार्ट्स को, अगर नहीं तो भाई मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो भाई सबसे पहले एक हमने इसका नट मंगवाया था, ठीक है, नट में समझते हो ना आप, इसके इंजन से रिलेटेड है, एक नट मंगवाया था जिसकी कॉस्ट भाई 400 रुपीज़ पड़ी है। ठीक है, उसके बाद बोल्ट कढ़ाई क्रैक जो इसके अंदर ये जो नट है ना ये भाई टूट गया था। ठीक है, तो उसको भाई बाहर निकाला एंड उसको रिप्लेस किया था, तो उसके भाई 700 रुपये लगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो ऑयल है ना, मतलब सर्विस भी इसके साथ ही है, हमने इसकी सर्विस भी करवाई थी, तो इसके अंदर भाई ऑयल पर आया अपने 1550 रुपये का। ठीक है, 1550 रुपये का इसका ऑयल है, अपन सर्विस करवाते हैं ना तो सर्विस करवाते रहे, अपन ऑयल भी चेंज करवाते थे भाई, वो 1550 रुपये का पड़ा। उसके बाद इसका ऑयल फिल्टर, ऑयल को मतलब ये सब जो कॉमन चीज़ें आपको पता होगी जिनके पास गाड़ी है उनको पता है कि भाई ऑयल एंड ऑयल फिल्टर वगैरह ये चेंज होते हैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते टाइम। ठीक है, तो भाई उसकी कॉस्ट है भाई अपने 350 रुपीज़, 350 रुपये ऑयल फिल्टर के। उसके बाद जो लेबर कॉस्ट पड़ी थी इसको, ये सब काम किया ना, मतलब मैकेनिक वगैरह जब भी अपन सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो भाई वो लेबर कॉस्ट लगती है, तो भाई इसमें 3000 रुपीज़ लगी है। जैसा कि मैंने बोला कि भाई इंजन का काम था, इसका पूरा इंजन बाहर निकाला था एंड भाई मतलब बहुत कुछ चेंजेस करके उन्होंने चेक वगैरह किया था। ठीक है, तो भाई इसकी भाई कॉस्ट अपने 3000 रुपये, तो भाई इसकी मजदूरी लगी है जो मैकेनिक वगैरह ने काम किया ना, उसकी कॉस्ट भाई 3000 रुपीज़। उसके बाद इसका बोनट ट्यूब करके कुछ और आता है भाई, वो मेरे को पता नहीं, उसका भी मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो भाई ऐसा करके ये यहाँ तक तो इसका टोटल हो गया। उसके बाद एक पाइप और डाली है, रिटर्न पाइप करके कुछ है, जो कि भाई 800 रुपये उसकी कॉस्ट है। ठीक है, 800 रुपये की रिटर्न पाइप एंड ये सब मिला के 7000 का बिल बना है। देख लो भाई, ये भाई इसके अंदर वाले पार्ट्स की कुछ गणित है। अगर आप या ये गाड़ी लेने का सोच रहे हो एंड अगर आपके पास ये गाड़ी है तो भाई आपको पता होना चाहिए, एंड जो भी भाई लेने का सोच रहा तो भाई एक बार इसको भी देख लेना, इसकी सर्विस कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कि भाई कितना क्या खर्चा बैठता है भाई। मतलब हम इसमें एक साल में कुल मिला के भाई 20-25 हज़ार अपन लगा देते हैं इसके ऊपर, जिससे अपनी गाड़ी मेंटेन रहती है एंड भाई कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, ये अब मतलब गाड़ी को अच्छा मेंटेन करने का एक रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि मुझे कभी इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्यों नहीं आई। ठीक है, ये देखो भाई 1,44,000 किलोमीटर में इसको चला चुका हूँ। ठीक है, अभी तक भाई इसमें कोई इशू नहीं है गाड़ी में, इंजन से रिलेटेड, इसकी बॉडी से रिलेटेड कुछ इशू नहीं मिला मेरे को आज तक, क्योंकि भाई मैं इसको वेल मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम टू टाइम इसकी सर्विसेज करवाता हूँ, तो भाई मुझे ये गाड़ी मतलब कभी इसने मेरे को प्रॉब्लम नहीं दी है। तो भाई यही कुछ मेन बात थी जो कि आपको बतानी थी, मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ कि भाई इसके अंदर वाले जो पार्ट्स है ना इंजन की, अगर आप इंजन का अगर आप काम करवाओगे तो भाई इतनी आपको कॉस्ट लगेगी। जो भी पार्ट्स मैंने बताए अगर आपको नॉलेज हो तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं है, अगर मैं भी कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई ये पार्ट ऐसे है, इसका ये काम है। ठीक है, तो भाई वीडियो को करते हैं ख़त्म, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।